शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में आधा दर्जन हमलावरों ने भाजपा नेता और सांसद केपी यादव के प्रतिनिधि जयपाल जाट पर कट्टे और लुहांगी से हमला किया है। इस हमले में जयपाल जाट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल अवस्था में उन्हें कोलारस स्वास्थ्य केंद्र से शिवपुरी जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सांसद प्रतिनिधि के भाइयों का अपने पड़ोस में रहने वाले मनप्रीत सरदार से पुराना विवाद चल रहा है। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी मनप्रीत सरदार, सुभाष परिहार और उनके चार अन्य साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। करीब 6-7 लोग थे। अच्छा, और 8 भी हो सकते हैं। एक दो लोग मुखबिरी भी कर रहे थे, बाद में एहसास अब हो रहा है। कैसे हमला कैसे किया ने? ये जब मैं रेलवे स्टेशन पर डेली वॉकिंग के लिए जाता हूँ शाम को, और वहाँ से अपनी गाड़ी के पास आया, जैसे ही मैंने गाड़ी के पास आके लोग खोला ही था, तो ये 6-7 लोग सामने से दौड़ के, किसी के पास तलवार थी, लुहांगी थी, लटके, और एक गोली चली जो मेरे कान के बिल्कुल पास से निकल के गई है, जो मेरे को एहसास है। मैं जैसे ही झुका, सामने वाले ने तलवार मेरे सिर पर मारी, मैंने ऊपर हाथ किया तो मेरे हाथ के अंगूठे में लग गई।